जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में हमें काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है, काफ़ी बहसबाजी हो रही है इस बात को लेकर, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में नेपोटिज्म को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा था, जिसके चलते बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने यह बड़ा कदम उठा लिया कि अपनी ही जान ले ली। आप सभी को बता दें, कुछ समय पहले एक्ट्रेस कंगना रनौत ने निर्देशक प्रोड्यूसर महेश भट्ट पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने उनकी तरफ जूता फेंका था। इन आरोपों पर महेश भट्ट के बचाव में फिल्म राइटर शगुफ्ता रफीक आई हैं। आप सभी को बता दें, मीडिया लीडिंग वेबसाइट से एक बातचीत के दौरान शगुफ्ता रफीक ने कंगना के साथ हुए घटना के बारे में खुलकर बताया है। रफीक महेश भट्ट के साथ कई सालों से काम कर रही हैं। कंगना और महेश भट्ट की फिल्म वो लम्हे शगुफ्ता ने ही लिखी थी। आप सभी को बता दें, महेश भट्ट की कंपनी के साथ शगुफ्ता रफीक पिछले 13 सालों से काम कर रही हैं। उन्होंने इस हालांकि एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने वो सब सुना जो कंगना के द्वारा भट्ट साहब के लिए कहा। आप सभी को बता दें, इस बात से ये सहमत हैं कि भट्ट साहब उन पर चिल्लाए थे, जिसके पीछे कई सारी वजह थी। वहीं शगुफ्ता ने उन आरोपों को खारिज किया है जिनमें ये कहा गया था कि महेश भट्ट ने एक्ट्रेस की तरफ जूता फेंका था। साल 2006 में आई फिल्म वो लम्हे फिल्म के दौरान वह कंगना पर चिल्लाए जरूर थे, क्योंकि वह लेट आई थी और शूटिंग इशू थे। उस समय कंगना ने किसी फिल्म को करने से मना कर रखा था। ये उनका अधिकार है कि वो जो करना चाहें वो कर सकती हैं, जो ना करना चाहें वो नहीं कर सकती। कंगना पुराने बातों को तरोड़ मरोड़ के पेश कर रही हैं लोगों के सामने, ऐसा शगुफ्ता का कहना है। शगुफ्ता का कहना है कि लम्हे ट्रायल शो के दौरान मोहित सूरी, महेश भट्ट और स्टार कास्ट भी मौजूद थे। मैं उस घटना की गवाह हूं कि महेश भट्ट तेज से कंगना के ऊपर चिल्लाए थे, ये उनकी आदत नहीं, जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं। महेश भट्ट बेशक खुद ना कुछ कर रहे हों, लेकिन उनसे जुड़ी राइटर जो कुछ बातें बता रही हैं वो सभी को हैरान कर देने वाली बात है। शगुफ्ता ने महेश भट्ट पर आरोप लगाए थे कि किस प्रकार से, ये बात बताई थी कि नेपोटिज्म के आरोपों पर भी जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं खुद बाहर से हूँ, मैं बार में सिंगर हुआ करती थी, मुझे पहला ब्रेक नहीं मिल रहा था, मुझे महेश भट्ट साहब की वजह से पहला ब्रेक मिला और इंडस्ट्रीज में मैंने अपनी जगह बनाई और अपनी ज़िंदगी बदल गई। राइटर ने कहा कि उनकी तरह कई नए चेहरों को महेश भट्ट ने पहला मौका दिया, उन्होंने एक्टर राइटर म्यूजिशियन जैसे कई प्रतिभाशाली लोगों को काम दिया। राइटर शगुफ्ता ने कहा कि अगर कंगना के साथ पहली ही फिल्म के दौरान गलत हुआ था तो उन्होंने साल 2009 में विशेष फिल्म के साथ काम क्यों किया था। ये बड़े सवाल के साथ उन्होंने अपना इंटरव्यू समाप्त किया था। लेकिन दोस्तों, ये बड़ा सवाल सामने आता है कि जब कंगना रनौत के ऊपर जूता फेंका गया था, महेश भट्ट के साथ चिल्लाया गया था, साल 2009 में आई फिल्म में महेश भट्ट के साथ ही उन्होंने दोबारा काम क्यों किया था। ऐसे में गलती से सीखता है इंसान, तो कंगना रनौत क्या चाहती हैं? क्या कंगना रनौत अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाना चाहती हैं, या किसी प्रकार से कुछ ऐसा नया मोड़ लाना चाहती हैं केस में जो सभी को हैरान कर दे? कंगना रनौत किस मकसद से सुशांत सिंह केस के लिए जुड़ी हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।